Srila Rama Prabhu ki. Govinda Srila Prabhupada ki. Namo Vishnu Padaya. Krishna Prasthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta. Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi. Paschat Desha Tarine. Gurave Gaura Chandraya. Radhikaya Tadalyaye. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Tadabhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya. Prabho Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Valmiki Giri Sambhuta. Rama Sagar Gamini. Punati Bhuvanam Punyam. Ramayana Mahanadi. Charitra Raghunathasya. Shatakoti Pravistaram. Ekaika Akshram Punsham. Mahapatak Nasanam. Kujam Tamaram Rameti. Maduram Madurakshram. Aroyaha Kavita Sakam. Vande Valmiki Kokilam. Manojvam Marutulya Vegam. Jitandriyam Budhimatam Varishtam. Vatatmajam Vanar Yuddha Mukhyam. Shri Ram Dutam Srise Namami. Ramam Ramanujam Sitam. Bharta Bharta Anujam. Sugrivam Vayusunam Cha. Namami Vapa Nama Nama. Hare Krishna. अभी हमने रामनामी के दिन मंगलाचरण किया. वाल्मीकि गिरि संभूता. वाल्मीकि जी पर्वत के समान है. वाल्मीकि कोई पर्वत है. वाल्मीकि गिरि संभूता. राम सागर गामिनी राम सागर के समान है. और वाल्मीकि के मुख से पर्वत से सागर की तरफ जो जा रही है रामायण महानदी. रामायण एक महानदी है. और वो क्या करती है? टू प्यूरिफाई एवरीवन. सबको पवित्र करती है.
तो रामायण की नदी कहां से उतरी है? वाल्मीकि रूपी पर्वत के शिखर से। कहां जा रही है? राम रूपी सागर में। क्या कर रही है? जो उसके किनारे पे आएगा, जो उसमें नहाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। अब दूसरे श्लोक में है कि रामायण में है क्या? चरित्र रघुनाथस्य, रामायण में है रघुनाथ का चरित्र। जैसे हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है चैतन्य चरितमृत, ऐसे रामचंद्र का चरित्र है रामचरित्र मानस। तो ऐसे रामायण में क्या है? चरित्र रघुनाथस्य, कितना बड़ा है। शत कोटि विस्तत्रम, सत माने 100, कोटि मतलब करोड़, विस्तत्रम मतलब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। दो काव्य हमारे पास है, दो पोइट्री है, इतिहास है, टू हिस्टोरिकल पोइट्री है, रामायण और महाभारत। इसमें रामायण बहुत बड़ा है, लॉन्गेस्ट पोइट्री है वाल्मीकि जी की। सो राम कथा एक्सटेंसिव है। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि विस्तरम, एकैकाक्षरम महापातकना, एकैकाक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक अक्षर भी किसी के जीवन में रामायण का उतर जाए तो बड़े से बड़ा पापी भी पवित्र हो जाए। ये रामायण की महिमा है। एक अक्षर भी। और फिर वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस रामायण को, इस धरती के ऊपर राम के चरित्र को, वाल्मीकि जी के ऊपर पहले कृपा हुई सीता जी की, जो उनके आश्रम में रही। बिना सीता की कृपा के, बिना भगवान की अंतरंग शक्ति की कृपा से कोई भी भगवान के विषय में गुणगान नहीं कर सकता। ऐसे हरे कृष्ण मंत्र में हरे किसको कहते हैं? वो राधा रानी को कहते हैं। वही राधा रानी है, तो वही सीता है, वही लक्ष्मी है, तो उसकी कृपा पहले चाहिए। फिर कृपा हुई वाल्मीकि जी के ऊपर ब्रह्मा जी की भी। ब्रह्मा जी एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है, जिस संप्रदाय में हम हैं, ब्रह्मा गौरी वैष्णव, माधव गौरी वैष्णव, तो ब्रह्मा जी की कृपा हुई। और फिर कृपा हुई नारद ऋषि की। तीन तीन कृपाओं से संपन्न वाल्मीकि जी ने रामचरित्र को कुछ पास्ट टेंस में लिखा है, कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखा है, कुछ फ्यूचर में लिखा है। कुछ चीजें अभी रामायण की हुई नहीं थी, वो भी वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो तीन कृपा, रामायण लिखने से फिर वाल्मीकि जी के पर किस किस की कृपा हुई? देव ऋषि नारद की, ब्रह्मा जी की, और फिर किशोरी सीता जी। तो कितना बड़ा रामायण रसमय होगा जो जो तीन कृपाओं की त्रिवेणी से संपूट हुआ है। तो वाल्मीकि जी की प्रार्थना में क्या लिखा है? कूजंतम राम रामेति। कूजंतम का मतलब है पुकारना, कॉलिंग अपॉन, राम राम राम, मधुरम मधुराक्षरम। ये बहुत मीठे शब्द है, रस, ये दे आर वेरी स्वीट, एक्सट्रीमली स्वीट वर्ड्स जो है वो सदा ही राम। कर तो रहा था मरा मरा, लेकिन हो गया राम राम, क्योंकि उसको मारना ही आता था। तो नारद जी ने कहा तुम्हें आता क्या? बोला मारना। बोला बोलो बार बार बोलो मरा 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 बोलो आप बोलो मरा 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 बोलो राम 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 हो गया कि नहीं हो गया? मरा से राम हो गया। इससे एक बात सिद्ध होती है, आप जो काम करते हो करते रहो, भगवान की भक्ति करो, तो आप अपने आप शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। उल्टा करने से भी सीधा हो जाएगा। वो कहते हैं उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा फिर भी वाल्मीकि अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया, जहां से भक्ति शुरू होती है। भक्ति शुरू होती है ब्रह्म अवस्था के बाद।
ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो शुद्ध भक्ति है वो ब्रह्म भूत के बाद होती है। और ब्रह्म कैसे ब्रह्म तक पहुंचा? उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। फिर उदाहरण क्या देते हैं? अरे बीज जब आप जमीन में डालते हो उल्टा जाए या सीधा जाए तो अंदर से तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब खेत में कोई सीधा बीज डालता है, जैसे है ऐसे डालता है। तो राम नाम जैसे चाहे वैसे जपो, एक रास्ता था, बहुत से साधु संत जाते थे, एक बहुत ही सिंपल पर्सन वहां रहता था, सबकी सेवा करता था, पानी पिलाया, कुछ फल फूल ला के दे दिया। तो एक महात्मा सीताराम का भक्त है, बोले तुम भक्त सेवा तो बहुत अच्छी करते थे, यू आर गुड डूइंग गुड सर्विस, लेकिन राम नाम तो जपता नहीं, आज तो सीताराम जपा कर। तो बात तो अच्छी कह दी, ये समझा नहीं कुछ, शायद कान ठीक नहीं थे। उसके जाने के बाद वो सेवा करके फिर बोलता था घसीटाराम 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 घसीटाराम। एक दूसरा महात्मा वहां से गुजरा, उसकी सेवा की, वही जप रहा था घसीटाराम। उसने बोला तू उल्टा नाम जपता है, भगवान का नाम सीताराम है, घसीटाराम क्यों बोलता है? उसको डांटने लगा। तब तक आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा मेरा नाम घसीटाराम है, जब यशोदा ने मेरे को उखल से बांधा था मैं घसीट के गया था, ये सही नाम ले रहा है, ये बिल्कुल सही नाम है, ये नाम मुझे बहुत पसंद है, मैं घसीटाराम हूं। घसीटाराम घसीटाराम है भाई, बहुत फेमस है बॉम्बे में मिठाई वाला घसीटाराम। इसका मतलब जो घसीटाराम जपेगा वो मिठाई वाला बनेगा और सबको मिठाई खिलाएगा। हरे कृष्णा जय श्री राम। बहुत मीठा बोलता है, मधुरम मधुराक्षरम। और आरोह्य कविता शाखाम, कहां बैठे हैं वाल्मीकि? पोएट्री की, कविता की शाखा के ऊपर बैठे हैं। और कितना मीठा बोल रहे हैं, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोकिलम का मतलब कोकिल बर्ड, जो बहुत मीठा बोलता है। देखने में काला है बर्ड, देखने में काला है लेकिन बोलता बहुत मीठा है। वाल्मीकि भले पहले डाकू थे लेकिन रामायण इतनी मीठी। और मीठी के ऊपर एक बात हमको याद आती है, प्रभुपाद जी कलकत्ता में प्रवचन करके बाहर निकले तो बाहर बहुत मिठाई रख के बैठा था। प्रभुपाद को बोला आइए बंगाली मिठाई बहुत अच्छी है। आप प्रभुपाद जी बंगाली मिठाई कौन सी अच्छी? बोला देखो रसगुल्ला है, संदेश है, बहुत अच्छी मिठाई है। प्रभुपाद का एक ही बंगाली मिठाई अच्छी है। अरे कौन सी बंगाली मिठाई इससे अच्छी है महाराज? यही तो संदेश और रसगुल्ले में मशहूर, एक ही अच्छी। बोले कौन सी? बोला चैतन्य चरितमृत। बंगाली भाषा में मीठा है चैतन्य चरितमृत, फिर से मीठा और कुछ नहीं। तो यहाँ रामायण कितनी मीठी है, मधुर मधुर। ये भाव प्रभुपाद जी के मन में कैसे आया? और उस दिन का चैतन्य चरितमृत सबसे मीठा बंगाली में है, इससे ज्यादा कुछ मीठा नहीं। क्यों भाई बताइए? हाँ इंद्र कुमार मीठा है ना, हरे कृष्ण। सो इसके बाद रामायण को समझना है तो हमें प्रभुपाद जी एक जगह प्रभुपाद ने कहा हमारे इस दुनिया में भक्ति करने का उद्देश्य है कि राधा को कृष्ण से मिलाना भगवान के धाम में और दोनों की सेवा करना। तो गिरिराज महाराज प्रभुपाद के इस कथन को समझ नहीं पाए तो प्रभुपाद जी के पास गए। बोला आपने कहा कि इस दुनिया में हमको राधा को कृष्ण से मिलाना है भगवान के धाम में। बोला हाँ, इस दुनिया में हमें हनुमान की तरह बन के सीता को राम जी से मिलाना है। और फिर प्रभुपाद ने कहा इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, टू टाइप ऑफ पीपल। पहले तो प्रभुपाद ने सीता की परिभाषा बताई, सीता लक्ष्मी है, उसमें लिखा ही पर्पट में सीता लक्ष्मी। सीता क्या है? सीता इज लक्ष्मी। और लक्ष्मी के लिए प्रभुपाद ने कहा लक्ष्मी क्या है? पैसा। और फिर प्रभुपाद ने कहा लक्ष्मी को सीता को राम की सेवा में लगाना
ये है हनुमान का काम। और दूसरे लोग हैं जो सीता को और धन को रावण की तरह अपने लिए खर्च करके इंद्रिय तृप्ति करते हैं। बस दो किस्म के लोग हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे रावण से भी ये बहुत नीच लोग हैं। रावण ने सीता को उठाया लेकिन राम के हाथों मर के मुक्त तो हुआ। इनको राम मारने नहीं आएगा, ये चोर पैसा खा खा के मर के नरक में जाएंगे अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। ये प्रभुपाद जी ने हमारा इस दुनिया में उद्देश्य बताया। अब मैं कह रहा था कि हमको राम के चरित्र को, सीता राम को समझना है तो हनुमान की कृपा चाहिए। बिना भक्ति की कृपा के भगवान नहीं मिलता। भक्ति का जन्म भी भक्ति की कृपा के बिना नहीं होता। और वैसे भी भक्ति भगवान ने अपनी तरफ से किसी को दी नहीं है, देते नहीं है और देंगे भी नहीं। उन्होंने अगर भक्ति देनी है तो सबको दे दे या किसी को नहीं दे, नहीं तो भगवान के ऊपर पार्शियलिटी का आरोप लगेगा कि ये पक्षपात करते हैं। तो भगवान ने भक्ति देने की सारी एजेंसी भक्तों को दे दी है। जिसको भक्त कहे उसको भक्ति मिलेगी। तो हनुमान जी की प्रार्थना में हमने क्या कहा, मनुज्वम मारुति तुल्य एकम। मनुज का मतलब मन के समान। हनुमान कितना तेज गति से भागता है, एक मन उतना तेज से भाग सकता है एक हनुमान जी एक गरुड़ जी। बस इसके बराबर और वायुदेव ये और कोई नहीं भाग सकता, लेकिन इन सब में हनुमान तेज है। मनुज्वम मारुति तुल्य एकम। मन मारुत का मतलब हवा, और उसके समान तेज गति से हनुमान जी चलने वाले हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बहुत इंटेलिजेंट है उनमें दी टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट है। ये तो राम जी ने माना जब लक्ष्मण के साथ ऋषि मुख पर्वत से हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में नीचे उतर आके दोनों से मिले तो जितना उन्होंने चतुराई से बोला, राम जी ने कहा पंडित्य में कमी नहीं है, लेकिन राम जी ने जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण को बोला इसको उत्तर दो, बोला अभी तक ये असली रूप में नहीं आया है। सो बहुत बड़ा पंडित है हनुमान। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमताम का मतलब बुद्धि, बुद्धिमतर बुद्धिमताम, गुड बेटर बेस्ट, दी बेस्ट, दी हाइएस्ट इंटेलेक्चुअल है हनुमान जी। कहां से सीख के आया, इतना बड़ा बुद्धिमान कैसे बना? अरे जिसने श्री कृष्ण से गीता सीखी थी उससे हनुमान जी सीख के आया। बताइए श्री कृष्ण से गीता किसने सीखी थी? सूर्य देव ने। सूर्य देव एवं विवस्वते योगम प्रोक्त्वान अहम् अव्ययम्, विवस्वा ने सीखी थी। और हनुमान जी एक साल तक सूर्य के रथ के सामने मुंह सूर्य की ओर करके उल्टे पांव चल के उनसे उपदेश लिया करते थे, क्योंकि सूर्य के रथ के ऊपर बैठने के लिए एक भी वैकेंसी खाली नहीं थी। 75,000 वाल्के जो ऋषि बैठ के वेद का पाठ करते, रथ में जगह नहीं थी। सूर्य ने कहा कि मैं कैसे सिखाऊं, बैठ नहीं सकेगा, एडमिशन कैसे दूं, सीट ही नहीं है स्कूल में। बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी सीट यहां भी बना लूंगा और रावण की सभा में जाऊंगा तब भी अपनी सीट खुद बना लूंगा, मेरे को सीट बनाना आती है। हनुमान जी अपनी सीट खुद बना लेते। तो सूर्य देव का शिष्य है हनुमान, और सूर्य देव को गुरु दक्षिणा में क्या दिया हनुमान ने? सूर्य ने कहा मेरा बेटा है सुग्रीव, गुरु दक्षिणा में भी मुझे वचन दो कि तुम सुग्रीव का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। इसलिए हनुमान ने कभी सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। सुग्रीव है सूर्य के पुत्र, बाली है इंद्र के पुत्र। तो सुग्रीव ने गुरु दक्षिणा में हनुमान ने यह दिया था। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमा कहां से आई? सूर्य देव से आई। वातात्मजम वानुर्युत, वातात्मजम का मतलब वायु पुत्र, हनुमान वायु पुत्र है। वायु ने तो उठाया था क्या,
वो शक्ति जो शंकर जी मोहिनी मूर्ति के समय जो उनकी शक्ति का हास हुआ था उसको वायुदेव ने उठाया था, इसलिए हनुमान रुद्र अंश भी है, शंकर जी का अंश भी है, और वायुदेव ने उठाया उसको तो वायु पुत्र भी है। और अंजनी एक अप्सरा थी जिसको वशिष्ठ जी ने शराप दिया था किसी कारण से कि बंदरिया बन जाओ, बंदर। अच्छा एक आपको बात बताएं, या वानर का अर्थ बंदर नहीं होता, संस्कृत में वानर डज नॉट मीन मंकी, वानर मीन्स वनस्पति खाने वाले वेजिटेरियन, वनस्पति खाने वाले वन में वेजिटेरियन। गिरिवासी, दोज हु स्टे ऑन द हिल टॉप्स एंड माउंटेन्स, और वन मानस, वन मीन्स फॉरेस्ट, मानस मीन मैन लिविंग इन फॉरेस्ट। नहीं तो बाली त्रिकाल संध्या करता था, समुद्र तीन समुद्रों की रोज संध्या करता था, कोई वानर संध्या करते हैं? हनुमान जी आज भी इस श्लोक में पढ़ने जाऊंगा, हनुमान जी आप आज जो राम जी की स्तुति करते हैं वही स्तुति हम करेंगे कि राम जी के अवतार के दिन के ऊपर हमारे ऊपर ये कृपा हो कि कम से कम हम मर्यादा से जीवन तो बिताएं, कुछ मर्यादा के अंदर रहे। सो वात आत्मजम, आत्मजम का मतलब बेट पुत्र, वायु पुत्र है और अंजनी पुत्र है, अंजनी अप्सरा थी, और पिता का नाम क्या था, चौथा नाम, हनुमान जी के चार पिता के नाम आ जाएंगे। रुद्र का अंश है, वायु पुत्र है, अंजनी पुत्र है, और वानर राज केसरी नंदन, क्या नाम है, केसरी उनके पिता का नाम है, केसरी नंदन। और फिर क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, इसके बाद हनुमान जी की महिमा में क्या लिखा है, वाता आत्मजम वानर युद्ध, वानर युद्ध मुख्यम, वानर जितने भी है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर है। वानर युद्ध मतलब सोसाइटी, मुख्य मीन्स द टॉप मोस्ट, और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, राम दूतम। रामदूत का मतलब क्या है, जैसे अमेरिका का यहाँ एम्बेसी है ना, एम्बेसी में जो एम्बेसडर है ना उसको कहते हैं अमेरिका का दूत। अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका के दूत ठप्पा लगाएगा तब आप अमेरिका जाएंगे, है ना। तो राम का दूत कौन है इस दुनिया में, हनुमान, वो जिसके ऊपर ठप्पा लगाएगा वो राम जी की सेवा में जाएगा। राम दूतम, राम जी का दूत है, सिर से नमामि, उसको हम कहते सिर से नमस्कार, उसको प्रणाम नहीं करते, वो कहते नहीं नहीं मैं भक्त हूं मुझे प्रणाम मत करो, बस आप नमस्कार करेंगे मैं भगवान को प्रणाम करूंगा आपका बता दूंगा। और फिर पूरे राम परिवार को हमने प्रणाम किया, रामम सीताम, रामम राम अनुजम सीताम, राम और राम का अनुज कौन है, रामानुज किसका नाम है, लक्ष्मण का नाम है रामानुज, राम का अनुज, राम का छोटा भाई। ऐसे भगवद गीता में एक इसके बिल्कुल विपरीत, इसके अपोजिट एक वर्ड है कामानुज, सुना है, काम एश क्रोध एश रजोगुण, काम एश क्रोध एश, काम के पीछे ऐसे चलेगा क्रोध जैसे राम के पीछे लक्ष्मण चलेगा। अनुज छोटा है पीछे चलता है ना, अगर राम के पीछे नहीं चलेंगे और रामानुज लक्ष्मण जो गुरु तत्व को शक्ति प्रदान करता है उसका आश्रय नहीं लेंगे तो आपको कामानुज बनना पड़ेगा, काम के छोटे भाई बन के और क्रोध में जीवन बिताना पड़ेगा। अब आपको रामानुज की सेवा करनी है कि कामानुज की सेवा में जाना है। भरत सीताम, भरत भरत अनुजम, भरत का छोटे भाई का नाम क्या है, शत्रुघ्न। ये भी बड़ा आश्चर्य है, राम जी के जन्म की कथा तो आप जानते हैं, आज थोड़ा सा उसको संक्षेप में बोलेंगे, लेकिन ये रामम राम अनुजम सीताम, भरत भरत अनुजम
सुग्रीवम वायुसूनम च, सुग्रीव और हनुमान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जब वापस आए थे लंका को विजय करके रामचंद्र, तो अपने भाइयों को सुग्रीव का परिचय दिया था कि हम पांच भाई, चार भाई थे, ये पांचवा मेरा भाई है। जो जब कोई और साथी नहीं था तब रावण के युद्ध में इसने मेरा साथ दिया था, तो अपने भाई के समान सुग्रीव को भगवान ने स्थान दिया है। इसलिए इस प्रार्थना में लिखा है वहां सुग्रीवम वायुसूनम च, सुग्रीव और हनुमान जी, इन सबको हम प्रणाम करते हैं। आज भी हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, आप जानते हैं हम जम्बू द्वीप रहते हैं, जम्बू आइलैंड, वी आर रेजिडेंट ऑफ जम्बू आइलैंड। और जम्बू आइलैंड में 9 ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, 9 वर्ष है जम्बू द्वीप में, 9 वर्ष है मालूम है। सबसे बीच में वर्ष है उसका नाम है इलावर्त वर्ष, उसमें शंकर पार्वती रहते हैं और कोई पुरुष नहीं रहता है, नो अदर मेल। और 8 वर्ष और है, उनमें से एक वर्ष का नाम है किम पुरुष वर्ष। क्या नाम है? किम मतलब क्या, पुरुष मतलब मानव, क्या ये मानव है? किम पुरुष वर्ष में आज भी हनुमान जी रामचंद्र की रोज प्रार्थना करते हैं। किम पुरुष वर्ष धरती के ऊपर स्वर्ग है, इसको बोलते हैं भौम स्वर्ग। इन 9 वर्षों में से जम्बू द्वीप में 8 भौम स्वर्ग कहलाते हैं और 9वां भारत वर्ष है जिसमें हम रह रहे हैं। ये भारत वर्ष ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे, जितना धरती का टुकड़ा खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, द लैंड विच इज सराउंडेड बाय साल्टी ओशन इज कॉल्ड भारत वर्ष। अर्लियर इट्स नेम वॉज अजनाब वर्ष, बट आफ्टर महाराज भरत द सन ऑफ ऋषभदेव इट इज कॉल्ड भारत वर्ष। और जिसको हम भारत कहते हैं उसको कहते हैं भारत खंड, भारत वर्षे भारत खंडे। भारत वर्ष का एक छोटा टुकड़ा है जिसको हम भारत खंड कहते हैं, जिसको हम इंडिया कहते हैं। सो भारत वर्ष एक है, उसके अलावा 8 और लोक है जिसको भौम स्वर्ग कहते हैं, इसका मतलब धरती के ऊपर स्वर्ग। जो स्वर्ग लोक में जाते हैं वहां जब उनका भोग पूरा होता है ना, तब भौम स्वर्ग में वापस आते हैं और 10,000 साल तक वहां रहते हैं और कोई परेशानी नहीं है वहां। आखिरी साल में एक बच्चा होता है, इससे जान छूटी ना, घना पढ़ाना पड़ेगा नहीं, शादी करानी पड़ेगी, आखिरी साल में होगा, अपना खुद जाके भुगते, आप वहां से छुट्टी। इन लोगों में ऐसे लिखा है। सो किम पुरुष वर्ष में, मैं सोचता हूं हनुमान की प्रार्थना का एक श्लोक हम पढ़ लें, फिर थोड़ा सा राम जी के, आज रामनामी का जन्म तो 12 बजे हो ही गया राम का, दशरथ के घर में तो अब आनंद मंगल हो रहा है, उधर तो बड़ा उत्सव हो रहा है राम जी का भी। लेकिन एक श्लोक मेरे साथ पढ़ लीजिए, हो सकता है कि आपके पढ़ने से कुछ राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा से आपको हो जाए। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शीलवर्ताय नमः, उपशिक्षितात्मना उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निकृष्णाय नमो, ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। ये हनुमान जी रोज प्रार्थना, बहुत 4-5 श्लोक है, लेकिन ये श्लोक एक प्रार्थना का है, फिर शिक्षाओं के श्लोक है। तो इस श्लोक में कहते हैं, हम भगवान श्री रामचंद्र जिसकी महिमा उत्तम श्लोकों से वेदों में गाई गई है उसको नमस्कार करते हैं। फिर लिखा है आर्य लक्षण, भगवान रामचंद्र के जो चरित्र है
वो एक बहुत सभ्य व्यक्ति का जैसे है वैसे है। और राम जी के चरित्र का वर्णन जैसे हम प्रिय नंद कुमार जी से सुन रहे थे अयोध्या कांड में, जब राज तिलक की बात दशरथ ने कही तो वहां सारी प्रजा ने राम जी के गुणों का वर्णन किया। मैं सिर्फ एक गुण का वर्णन करता हूं, और वो गुण अगर भक्त अपने जीवन में अपना लें तो बहुत सुखी रहेंगे। आपसे कोई राम जी का गुण क्या है? जो राम जी की थोड़ी भी सेवा करता है उसको राम जी कभी भूलते नहीं, और कोई कितनी भी गलती करे उसको कभी याद रखते नहीं। कैसा अच्छा गुण है ये। आपकी जो भलाई करे उसको भूलना नहीं, आपकी बुराई करे उसको कभी याद नहीं रखना, तो दुनिया में बहुत सुखी रहोगे। बहुत अच्छा गुण है। शील वर्ता है। शील वर्त किसको कहते हैं? शील वर्त का मतलब है राजकुमारों में बैठे तो राजकुमार की तरह, और अगर निषाद राज को गले लगाना पड़े तो उसको भी अपने भाई के समान गले लगा ले। रामचंद्र स्कूल से आ रहे थे, जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे ना, वापस आ रहे थे, राजपुत्र थे, एम्परर के प्रिंस थे, पढ़ के आ रहे थे, बड़े बिग प्रोसेशन आ रहा था, और राम जी को नहीं तो भी सोने से जड़ित पादुका पहनी हुई थी। एक उसी की हम उम्र राम जी का छोटा निषाद, निषाद कहते हैं जंगल में रहने वालों को। ये निषाद एक जाति है जो जब मंथन हुआ था वेण महाराज के नीचे के शरीर का, तो निषाद उसमें से पैदा हुए थे, उसको कहा के जाके वन में रहो। तो वो निषाद जो था वो एक पेड़ की छाल की जूती अपने हाथ से बना के लाया, और दूर से राम जी को दिखा रहा था, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको जूती देना चाहता हूं। तो कौन राजा के राजकुमार की सवारी के पीछे कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो आने, लेकिन राम जी ने कहा इसको ले आओ, और सोने वाला जो पादुका था उसको उतार के उस जूती को स्वीकार किया। ये शील चरित्र है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर राम जी की सेवा करने के लिए आ रहा है तो राम जी उसको स्वीकार करते हैं, और ये ही निषाद आगे चल के वो निषाद बना जिसको राम जी ने गले लगा के अपना मित्र कहा कि तुम निषाद मेरे मित्र हो। तो ये निषाद राज जो है बचपन से भगवान श्री राम से बहुत बड़ा प्रेम करते थे। और शील चरित्र तो ये है कि लोग कभी कभी कहते हैं कृष्ण का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र अनुस्मरणीय है, उसका स्मरण करो, वैसे आप कर नहीं सकते। राम जी का चरित्र भी अनुकरणीय नहीं है पूरा, बहुत मुश्किल है। जैसे राम ने किया, जैसे श्री रामचंद्र ने किया, क्या आपका कोई घर ले जाए, आपका कोई दुकान ले जाए, मकान ले जाए, उसको आप गले लगाओगे? अरे राम जी ने तो भरत ने राज लिया उसको भी गले लगाया कि नहीं लगाया? अरे जटायु एक पक्षी है, उसको गोद में बिठा के पिता के समान अग्नि संस्कार कोई कर सकता है क्या? नहीं। वो शील चरित्र में ये है कि जटायु जैसे गीद पक्षी को भी भगवान राम ने गोद में बिठाया था। तो ये शील चरित्र देखना है तो बड़े से बड़े महात्माओं से मिलते हैं तो वैसा व्यवहार करते हैं, छोटे से छोटे लोग से मिलते हैं तो उससे भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अब श्री प्रभुपाद जी की जीवनी को देखें, वहां तो भारत में उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अपना भागवत का दे रहे हैं, और अमेरिका में हिप्पियों के बीच में बैठ के उनको भी हरे कृष्णा सुना रहे हैं। देखो दोनों जगह चरित्र उनका देखो, और मिलने के लिए बड़े से बड़े आदमियों से मिल रहे हैं, और भोजन बना के उन हिप्पियों को अपने हाथ से खिला रहे हैं, और वो प्लेट भी अपनी नहीं उठा के जाते थे और प्रभुपाद को खुद उठानी पड़ती थी। इसको कहते हैं शील चरित्र। राम जी का इतना शील चरित्र है। और फिर लिखा है उपशिक्षित आत्मने, अपनी इंद्रियों का और मन को पूर्ण रूप से वश में रखते हैं।
नहीं तो राज जाने के ऊपर लक्ष्मण ने तो कह दिया यहां तक के इन सबको मार के मैं आपको राज के ऊपर बिठा सकता हूं। और वशिष्ठ जी और सब लोग कह रहे थे, लेकिन राम जी कितनी इंद्रियां संयम में होगी कि जिस दिन राज तिलक होना था उसी दिन वो वलकल के वस्त्र पहन के वनवास जाना पड़ा। फिर भी वहां लिखा है, तीन शब्द लिखे हैं। पहले लिखे हैं रघुकुल दीप। जब खबर पड़ी, ये समाचार मिला कि मुझे वन में जाना है, तब लिखा है रघुकुल दीप। मैंने दिया जो होता है, वैसे अभी तक भी प्रकाश निकल रहा था, राम जी को बुझ नहीं गए। और जब उनको कहा कि वनवास आज ही जाना है, तो लिखा है रघुकुल मणि। इसका मतलब जो सदा ही चमकता रहता है कैसी भी परिस्थिति है। और अंत में मेरे ख्याल में जब जाने लगे तो उस समय लिखा है रघुकुल मणि, रघुकुल दीप और रघुकुल सूर्य, या ऐसे एक शब्द है जो सदा प्रकाश देता है। ये एक से एक दुख की बात सुन के और ज्यादा प्रफुल्लित हुए। अरे यहां तक कि कई को कह दिया राम जी ने, मेरी मैया दुनिया कहेगी आखिर कि आपने न्याय नहीं किया, अपने बेटे को छोटा सा अयोध्या का राज दिया और मेरे को पूरे वनवास का राजा बना दिया। मैया आपने जरा ये न्याय नहीं किया है। आपने केकई की एक कथा सुनिए, केकई का मायका कहाँ था, माँ बाप कहाँ रहते थे, तक्षशिला में जो पिशावर के पास में अफगानिस्तान का और बॉर्डर है, ये तक्षशिला में रहते थे। और अश्वजीत मेरे ख्याल में इसका नाम है केकई के भाई का, और उसके पिता का नाम भी ऐसा ही कुछ है। एक बार एक साधु आया इनके घर में, साधु की सेवा करने के समय छोटी सी बच्ची थी केकई, बहुत छोटी थी, नटखट थी। साधु की सेवा भी बहुत की, प्रसाद वसाद खिलाया। तब चूल्हे के ऊपर वो बनाते थे ना, तो चूल्हे में बर्तन रखा तो नीचे से काला हो गया, वो गैस तो था नहीं, वो लकड़ी था, कोयला था, जो भी हो था। और रोटी बनाई तो वो तवा भी नीचे से काला हो गया, साधु सो गया, इसको पता नहीं क्या आया, वो पूरा काला साधु के मुंह में धोप गया। सुबह साधु तिलक लगाने के लिए अपना मुंह देखा तो काला, अरे बोला जिसने काला मुंह मेरा किया उसके ऊपर कलंक लगेगा। अब वो केकई के ऊपर ये श्राप आ गया कि कलंक लगेगा। साधु तो वहां से चला, वो जाते जाते वो अपना करमंडल भूल गया जिसमें पानी उठाते हैं। तो केकई ने देखा, अरे साधु तो चला गया करमंडल, वो अपनी उंगली में ऐसे करमंडल टांग के पीछे गई, साधु बाबा 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 आपका करमंडल है। अरे भाई काला मुंह करके भी करमंडल वापस देती है तो तेरा कलंक तो लगेगा, लेकिन ये तेरी उंगली वज्र की हो जाएगी, ये कभी कहीं टूटने वाली नहीं। यही उंगली केकई ने उस रथ के एक्सल के अंदर डाली थी जब देव असुर संग्राम में दशरथ महाराज के रथ का पहिया टूट गया था, तो उंगली डाली थी क्योंकि उंगली को वरदान मिला हुआ था। तो केकई एक दिन राम जी की आंख पीछे से बंद किया, ऐसे बोला पहचानो कौन है, हाथ लगा के बोला तुम तो मुझे प्राण प्यारे राम हो, मुझे भरत से भी प्रिय हो। बोला फिर मैं हाथ मुंह से हाथ नहीं उठाऊंगा, वो नहीं है। आंख पकड़ किसके पकड़े हैं, केकई ने राम जी के, बोला एक वचन दो तो मैं आंखें छोड़। बोला वचन क्या दूं, बोला मेरी मां कौशल्या बहुत मुझसे मोह करती है, वो ये काम नहीं कर सकती, मेरे अवतार के लिए मेरा वन में जाना अति आवश्यक है और ये श्राप देने का काम आपको करना पड़ेगा। केकई ने कहा मैं कलंक सह लूंगी, लेकिन बेटा मैं आपकी इस बात को सत्य करूं। तो केकई ने श्राप तो और वन 14 साल वनवास तो भेजा राम जी को, केकई को दशरथ ने बुरा कहा है, केकई को भरत ने बुरा कहा है, केकई को वशिष्ठ जी ने बुरा कहा है, केकई को सुमंत ने बुरा कहा है, लेकिन राम जी ने कहा है जिन्होंने साधु संग नहीं किया होगा वो मेरी माँ को बुरा कहेगा। राम जी ने कभी नहीं कहा,
और राम जी वापस वनवास के आए तो पहले केकई को प्रणाम करके फिर कौशल्या के कक्ष में गए थे। तो इसको कहते हैं साधु को और भगवान को किसी से द्वेष नहीं होता, बुरे करने वाले को भी अपना ही मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा श्लोक में लिखा है, उनका मन बड़ा वश में था, उनकी इंद्रियां वश में थी। उपासित लोकाय, सारी दुनिया आज भी राम की उपासना करती है, लेकिन राम जी ऐसे थे कि अपनी प्रजा की उपासना करते थे। इसके दोनों अर्थ हैं, अपनी प्रजा की उपासना करते थे, प्रजा को अपना पुत्र के समान मानते थे। और फिर ये बहुत बड़ी बात लिखी है, साधुवाद निक्षा, साधुवाद निक्षणाय। अगर किसी साधु को कसौटी के ऊपर परखना है कि साधु है कि नहीं है, राम जी वो कसौटी है जिसके ऊपर साधु के चरित्र को परखा जाता है। राम जी का करैक्टर एक स्टोन है जिसके ऊपर किसी और साधु के चरित्र को परखा जा सकता है। इसके बाद का एक बहुत अच्छा श्लोक है, ज्यादातर तो मैं उसी के ऊपर प्राय क्लास लेता हूं कि राम जी के अवतार का उद्देश्य क्या है। रावण को मारना केवल उनका उद्देश्य नहीं था, न केवल असुर बधाए, ये उनका उद्देश्य नहीं था, कुछ और ही था। बहुत अच्छा श्लोक है। इसके बाद आप चाहें तो चार पांच श्लोक हैं, 5:19 पांचवें स्कंद के 19वें अध्याय का पहले श्लोक से लेकर 4, 5, 6, 7 श्लोक हनुमान जी की प्रार्थना है राम जी की, बड़ी अच्छी प्रार्थना। अब मैं आज राम नामी के विषय पे आता हूं। इक्ष्वाकु वंश में 3 अध्याय है सिर्फ, अपने श्रीमद् भागवत में 3 अध्याय में रामायण है। और सुखदेव महाराज कहते हैं राम कथा तो परीक्षित ने आपने विस्तार से सुनी है, इसलिए मैं बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं। और राम जी का चरित्र तो चैतन्य चरितमृत में भी है, और विशेष रूप से सीता के हरण वाले चरित्र के ऊपर जो ब्राह्मण ने भोजन पे बुलाया था चैतन्य महाप्रभु, अगर आपको याद होगा तो, और श्रीरंगम में कूर्म पुराण का वो पन्ना हाथ से लिखा के वापस चेतन महाप्रभु ला के बताया था आपको, ये कथा किसी को याद हो तो। बहुत अच्छा रामायण का वर्णन जो है वो चेतन चरित्र में भी राम कथा है, और यहां तक भी है महाराज कुलशेखर वो राम जी की कथा सुनते थे, जिस दिन पता के वो 10,000 राक्षस खरदूषण लाया तो अपनी सेना को बुलाया कि चलो अकेला राम जी वहां है, चलते हैं सेना लेकर। वो तो इतने भाव में हो गए, तब कहा कि नहीं राम जी की विजय हो गई, तब दोबारा कहा कि रावण से अकेले लड़ रहे हैं तो समुद्र के अंदर घुस गए अकेले। ये राम का तो चरित्र बहुत जगह, महाभारत में भी राम कथा है। जब सिंधु नरेश जयद्रथ द्रौपदी को हरण करके जा रहा था तब रो रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तो संतों ने कहा अरे महाराज ये आपकी तो पत्नी वापस मिली, राम जी की पत्नी तो 1 वर्ष तक रावण ले गया था तब भी नहीं रोए थे, तो वहां भी राम कथा है, महाभारत के बीच में भी राम कथा है। सो दशरथ अज महाराज का पुत्र है, अज का पुत्र दशरथ, ये रघुवंश है। महाराज रघु बहुत बड़े वीर थे और रावण उस वक्त भी था, और रघु से लड़ने के लिए आया था। रघु स्नान कर रहे थे, रावण ने कहा आपसे लड़ना चाहता हूं। रघु ने मिट्टी की लंका बनाई नदी के पानी से और ऐसे हाथ से गिराया, बोला जाए तेरी लंका में देखो कि किले का टुकड़ा टूटा है कि नहीं। उधर जाके देखा कि उसकी लंका टूटी हुई थी, बोला ये तो मिट्टी के हिलाने से है, लंका को मिटाएगा इससे क्या लड़ूंगा। लेकिन फिर भी उसको बहुत बड़े घमंड था, वो लड़ने आया रघु के लिए। रघु ने बाण निकाला, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसको वरदान दिया है, आप मेरे वरदान की लाज रखिए। तो रघु ने मारा नहीं, लेकिन वो बाण लेके रावण लेके रघु से ले जाके अपने किले के खंभे में रख दिया था। और राम और रावण की लड़ाई में रावण का जो सर काटे वापस आ जाए, आखिर में पता लगा कि सर कट गया, बोला रघु के बाण से ही कटेगा।
प्रभु भगवान है कहाँ, बोला ये तो पता सिर्फ कौशल्या को है और रावण को और किसी को नहीं। हनुमान जी ब्राह्मण बन के चले गए, कौशल्या का कहो सौभाग्यवती भाव। अरे बोला ब्राह्मण अभी तो सारा हमारा कुल नाश हो गया है, अब आप सौभाग्य का आशीर्वाद दे। बोला रघु का तीर जब तक सुरक्षित है रावण का कुछ नहीं बिगड़ सकता। बोला महाराज आपको इसका पता क्या? बोला मुझे पता है, रघु महाराज के तीर से ही रावण का सर कटने वाला, तो ब्रह्मा जी ने उस दिन छोड़ दिया था, किसी को मालूम नहीं, मैं उसकी ऐसी पूजा कराऊंगी आपके पति का कुछ नहीं होने वाला, होगा तो देखा जाएगा। कहे कहाँ है कहाँ? बोला इस खंभे में। बोला तुम्हारे खंभे से तीर उठाया, फिर हनुमान असली रूप में आए, बोला ये जाके राम जी के हाथ में देना। राम जी ने वो तीर जब चढ़ाया रघु का, तब रावण का अंत हुआ। एक रघु की कथा है, ऐसे प्रचलित कथा है, तो बात कहते हैं रघु वंश में राम जी का प्रकट्य हुआ। कौशल्या से विवाह हुआ था, कौशल देश से आई थी, कोई संतान नहीं हुआ, एक बेटी थी, उसका नाम था शांता, जो उन्होंने रामपाद महाराज को गोद में दे दी थी, और उसी का विवाह हुआ था ऋषि श्रृंग से, विभांडक के पुत्र से, और उसी ने पुत्र इष्ट यज्ञ कराया था महाराज दशरथ का। क्योंकि कोई लड़का नहीं था इसलिए केकई के साथ विवाह हुआ था, और केकई के पिता ने कन्या शुल्क लिखा लिया था कि अगर आपको पुत्र नहीं हुआ इसलिए मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो मेरी पुत्री का बेटा ही राजा बनेगा, इसको कहते हैं कन्या शुल्क। ये महाराज अश्वपति ने, अश्वपति नाम है उसका, केकई के पिता का नाम है अश्वपति, उसने टाइम 5 मिनट बचाए, हरे कृष्ण। सुभद्रा का विवाह कैसे हुआ, कहीं आपने पढ़ा है? कौशल्या से विवाह हुआ, हमने महात्माओं के मुख से कथा सुनी, कौशल्या का विवाह हुआ, होने वाला था, दशरथ की बारात आ गई थी, रावण को यह पहले से पता था कि कौशल्या और दशरथ के पुत्र मेरा हत्या करेगा, मुझे मारेगा, ही बिल्कुल भी, उसने कौशल्या का अपहरण कर लिया विवाह से पहले, और एक जंगल में जाके एक सुने मंदिर में बंद कर दिया। अब कौशल्या के माता पिता ने कहा बारात आ गई, दूल्हा दरवाजे पे खड़ा है, और जिस कन्या से शादी करनी थी वो तो है ही नहीं, करे क्या, उसकी छोटी बहन सुमित्रा से बिठा के शादी करा दी। पहले जमाने में लड़का लड़की को देखने आते नहीं, फोटो वोटो निकालते नहीं थे, तो दूसरी बिठा दी, चल गई। अब कोई मुश्किल तो हुआ नहीं, और ये बारात जा रही थी सुमित्रा के साथ। अब मैं महात्मा के मुख से सुना हुआ है, बड़े अच्छे संत थे, और बारात रात को वहां रुकी जहां कौशल्या को वो किसी जगह जंगल में बंद करके गया था, और अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। तो महाराज दशरथ ने दरवाजा तोड़ा तो रोती हुई स्त्री को देखा, और सुमित्रा ने कहा यही तो मेरी बहन है जिससे आपकी शादी हुई थी। तो वापस कौशल्या दशरथ जी को पत्नी के रूप में ऐसे मिली, क्योंकि सुमित्रा का कहीं इतिहास मिलता नहीं, आप ढूंढेंगे तो। और मैंने कहा आप बहुत सी ऐसी बातें हैं, सो ऐसे कौशल्या अब तीन रानियां हो गई दशरथ जी की, ये तो मुख्य रानियां हैं। उस जमाने में परशुराम परसा उठा के सारे क्षत्रियों को मार रहा था, और जो शादी करता था उसको नहीं मारता था, इसलिए दशरथ हर साल एक शादी करता था कि परशुराम आए ना। हाँ ऐसा भी दिखा है, कोई संतान पुत्र नहीं था, तो वशिष्ठ जी को कहा कि कुछ अश्वमेध यज्ञ कराओ। बोला मैं तो कराता हूं, लेकिन पुत्रेश्री यज्ञ करानी है तो ऋषि श्रृंग को लाओ। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, सब काम एक आदमी को नहीं आता है। वशिष्ठ बड़े अच्छे गुरु थे, जिन्होंने कहा कि पुत्र के लिए उसी को बुला किया, और सब काम मैं करूंगा ऐसा कहना का जरूरी नहीं है, जो जिसको आए उसको बुलाना चाहिए। सो श्री रिंग ऋषि श्रृंग ने यज्ञ किया, तो उसमें से जब यज्ञ हो रहा था तब क्या हुआ था, कभी आपने सुना है? यज्ञ मंडप में सब देवता आते हैं ना यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए, तब ब्रह्मा जी को सब देवताओं ने घेर लिया, बोला रावण को इतने सारे आपने आशीर्वाद दे दिए हैं, और कुंभकर्ण को और सूर्यपंखा को, उन्होंने तो पूरे संसार में बहुत संकट पैदा कर दिया, अब करें क्या? ब्रह्मा जी को कहें अब क्या करें, आपने ऐसा काम किया क्यों? उस वक्त भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं।
और सबने भगवान विष्णु को प्रार्थना किया। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग देवता अपना यज्ञ में भाग लेके सुख से जाओ, इस यज्ञ में मैं इस यज्ञ पुरुष के हाथ में कलश के अंदर जो पायसम निकलेगा उसमें प्रवेश करता हूं। मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं अपने आप को देने के लिए आया हूं। ये बहुत बड़ी बात भगवान की है, और जो प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके उस वक्त कही, जब जो डॉक्टर मिश्रा योग टीचर, उसने कहा स्वामी जी ये धोती कुर्ता चोटी नहीं चलेगी, पैंट कोट टाई चमचा कांटा चलेगा यहाँ अमेरिका में। प्रभुपाद ने कहा बात सच्ची है, यहाँ दुनिया में जो भी लोग आते हैं यहाँ, या तो कुछ पढ़ने के लिए आते हैं या पैसा कमाने के लिए आते हैं। न मैं पढ़ने को आया हूँ न पैसा कमाने आया हूँ, मैं यहाँ से लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ देने आया हूँ और इनको सुख देने आया हूँ, और अगर इनको मुझसे लेना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मैं इन जैसा क्यों बनूं, मुझे इनसे कुछ लेना नहीं है, तो मैं देने आया हूं। ये बहुत बड़ी बात है, देने आया हूं मैं। तो राम भगवान विष्णु का मैं देने आया हूं अपने आप को, यहां लेने नहीं आऊं। और उस पायसम में भगवान विष्णु ने प्रवेश किया, और जो यज्ञ पुरुष निकला अंदर से, उसने वो कलश जो है दे दिया ऋषि श्रृंग को, ऋषि श्रृंग ने कलश दे दिया दशरथ महाराज को, और दशरथ महाराज ने उस कलश से आधा हिस्सा पूरा दे दिया कौशल्या को, 50% कौशल्या को दे दिया, बाकी बचा 50% उसके दो हिस्से की, 1/4 दे दिया केकई को, बाकी बचा 1/4। अब उसने कहा कि सुमित्रा को आप दोनों दोइए, तो उन्होंने 1/8 हर एक ने, केकई ने दुआना दिया और दुआना दिया कौशल्या ने, जो चार आना बचा था। अब देखो साइंटिफिकली 8 आने से राम जी साक्षात वसुदेव है, और फिर कौशल्या का हुआ राम, और वो हुआ आज के दिन, त्रेता युग था, बसंत की ऋतु थी। भगवान आते कौन सी ऋतु में? बसंत की ऋतु में आते हैं, क्योंकि हर जगह बहुत सुंदर हरियाली लाते हैं, और भगवान के आने का दिन तिथि है नवमी। ये नवमी तिथि ज्योतिष में निषेध तिथि है, अरे कोई काम अच्छा इसमें नहीं होना चाहिए, नवमी को बहुत बुरा कहा जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। एक दिन एक बुढ़िया आई, राम जी सीता जी के साथ बैठे थे, चरणों में प्रणाम किया, बोला क्या चाहिए, देवी कैसे पधारी हो? बोला क्या कहूं आपको राम जी, लोग कोई मुझे स्वीकार नहीं करता है, मुझे कहते हैं रिक्त तिथि हो, रिक्त मतलब खाली, एम्प्टी, मैं किसी काम की नहीं हूं। बोला आप खाली हो? मैं तो, मुझे खाली का, पर जो खाली होता है उसको हम भर देते हैं नौमी। अब मैं जब अवतार लूंगा नौमी तिथि को लूंगा, और तुम तो निहाल हो जाओगी। और सीता ने देखा कि अगर आप नौमी में जाओगे तो हम भी नौमी के दिन ही प्रकट होंगे, तो इसके बाद सीता नौमी आएगी, तो राम नौमी और सीता नौमी, ऐसे नौमी का दिन है, दोपहर के 12 बजे है। पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता क्या है? खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी, जो संस्कृति और धर्म दुनिया से खो गया था वो राम जी पुनः स्थापित करेंगे। अभी उस श्लोक के दूसरी लाइन तो मैंने दो पढ़ी ही नहीं, ब्राह्मण देवा है आगे है, कुछ और चीजें भी उसमें रह गई, लेकिन इस समय दोपहर का समय है, मध्यान्ह काल में जब सूर्य अपने पूरे प्रकाश में है, उस समय सूर्य वंश में भगवान राम जी का प्रकट्य होता है कौशल्यानंदन के रूप में। इस नक्षत्र के आज के दिन भगवान श्री राम जी का प्रकट्य हुआ। वसुदेव जो चतुर्व्यूह है उसमें वसुदेव से भगवान रामचंद्र है, संकर्षण से लक्ष्मण है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उसको हम दो, सॉरी प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो है वो भरत और शत्रुघ्न है, और कहीं कहीं उनको शंख और चक्र का भी कहते हैं, लेकिन चारों विष्णु तत्व है। प्रभुपाद ने लिखा कि चारों विष्णु तत्व, ये कोई चारों भाई विष्णु तत्व है, ये चतुर्व्यूह ऐसे प्रकट हुआ है। सो भगवान रामचंद्र का आज बड़ा अद्भुत प्रकट है। राम किसने सुना नहीं है, दो ये नाम, दो 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 शब्द का छोटा नाम राम सबके कान में कहीं ना कहीं पड़ा है, मिलते ही लोग राम राम करते थे,
इसका मतलब राम तो राम एक राजा के रूप में महाराजाय महापुरुषाय महाराजा है, ऐसा राज किसी ने किया नहीं जिसके राज में बाप के जीते जी बेटा नहीं मर सकता था। ये राम राज का पहला नियम था, बाप के जीते जी बेटा नहीं मर सकता। और एक बेटा मर गया और राम जी के ऊपर देवताओं ने कहा ऐसे कैसे हो गया, क्या गलती हो गई तुम्हारे राज में, कुछ गलती हुई है तब ये मरा है। नारद जी ने कहा हाँ कुछ हुआ है अन्याय, इसलिए ये मरा है। तो राम जी उस अन्याय के लिए कहाँ देखने गए, क्या देखने गए, आपने सुना है ये कथा? हरे कृष्ण, नहीं सुनिए तो दोबारा आना कभी सुन ले। एक बार किसी कथाकार को बुलाया था, ऐसे पब्लिक आके बैठी, बोला आपको मालूम है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? बोला हाँ, क्योंकि राम नाम ये राम के ऊपर बोलोगे समझ गए। बोला हाँ, बोला आपको मालूम है तो मैं क्या करूँ, बोल के चला गया। दूसरे साल फिर बुलाया तो कहा कि मैं आज क्या बोलूंगा आपको मालूम है, सबने आपस में देखा कि अगली साल हम लास्ट ईयर हमने कहा था कि जानते हैं इसलिए बोला नहीं था। बोला हम कुछ नहीं जानते, बोला तुम्हारे ऊपर सर क्यों खपाऊं जा रहा हूं। तीसरे साल फिर आया, तब दोनों ने कहा, आधों ने कहा कि हम बोलेंगे आता है, आधों ने कहा नहीं आता है। उन्होंने कहा आता है, उन्होंने कहा नहीं, बोला जिसको आता है और नहीं आता उनको सुना दो। उसने सुना नहीं दीदा। हरे कृष्ण। अब आखिरी में एक और हंसने की बात, क्योंकि इसके बाद अच्छा सा अगर आपने सूप पिया होगा तो प्रसाद खा सकते हो। एक आदमी ने महीना राम कथा की, महीना पूरा, गांव के लोग थे बड़े खुश हो गए, वाह वाह ऐसी राम कथा हमने कभी नहीं सुना। और 15 दिन कथा कर, उसने 15 दिन और कथा की, उसको विदा किया। वो घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहा था, उसको बेचारे को जो देना था दे दिया, वो जा रहा था। अब पंचायत इकट्ठी हो गई, बड़ा पैंच पूछ रहा है, कथा बड़ी अच्छी की पंडित जी ने, एक बस समझ में बात नहीं आई, ये रावण राक्षस था के राम? सारी कथा समझ में आ गई, राक्षस राम के रावण, आदमी को भेजा के जाओ पंडित जी को वापस लाओ। पंडित जी वापस आया, बोला सब बात आपकी अच्छी लगी, बस ये पूछ रहे हैं कि राक्षस राम के रावण। पंडित ने कहा रावण मैं, राक्षस जिसने 3 महीने आपके ऊपर खड़ा किया, अभी तक आपको समझ में। एक स्कूल में इन्वेजिलेटर गया और क्वेश्चन पूछा कि महाराज जनक की दरबार में बड़ा शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था? लड़के बोले मैंने नहीं तोड़ा सर। सब परेशान हो, क्योंकि आज स्कूल में तो ये पढ़ाते नहीं। बोला मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं तोड़ा। टीचर को बोला ये देखो क्या कह रहा लड़का। बोला ये बड़े शरारती हो गए लड़के, कभी खिड़की तोड़ देते हैं, हो सकता है किसी ने तोड़ा हो, माफ कर दो। अरे बोला टीचर को भी नहीं आया। हेडमास्टर को बुलाया, इतना आसान प्रश्न पूछा है कि जनक महाराज के दरबार में किसने धनुष तोड़ा था? लड़का कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा है। और टीचर कहता है ये शरारती बच्चे, टूट गया तो क्षमा कर दो इनको। ये हाल है आजकल के स्कूल के बच्चों को राम जी की कथा के बारे में, तो फिर कहाँ से चरित्र आएगा और कहाँ से उनके अंदर अच्छे करेक्टर डेवलप होंगे और कहाँ वो माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, सिर्फ चेकबुक के ऊपर साइन कराते रहेंगे। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।